इस वक्त मैं कश्मीर चौक पे मौजूद हूँ और मेरे लेफ्ट साइड पे जो रास्ता जाता है वो मरी की तरफ जाता है और राइट साइड पे मेरे इस्लामाबाद क्लब है और सीधा जो रास्ता जाता है ये रावल चौक को जाके मिलता है। इस रोड का नाम है क्लब रोड। इस वक्त मेरे पास जो टाइम हुआ है वो हुआ है 2:39 पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम और 2:39 पे हम अगर लेट से जी क्लब रोड कश्मीर रोड पे हैं। अभी यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ आगे सारा ओएसिस फार्म का पार्क सिटी का टोटल डिस्टेंस कितना बनता है। 2:39 पे हमने ये जर्नी स्टार्ट की है। राइट साइड में मेरे इस्लामाबाद क्लब है जिसकी अपनी एक इंपॉर्टेंस है और इसकी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इस्लामाबाद के अंदर जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं जितने डिग्नेटरीज हैं जितनी मिनिस्ट्रीज हैं जितने आपके हायर ऑफिशियल्स हैं वो इस क्लब के मेंबर हैं। यहाँ पे आपको जितनी चीज़ें जितनी गेम्स हैं इंडोर आउटडोर गेम्स हैं गोल्फ होगी पोलो होगी आपकी टेनिस होगी स्क्वाश कोर्ट हो गया बैडमिंटन हो गया सारे इनके सेपरेट ग्राउंड जहाँ पे बने हुए हैं। और ये जो क्लब है ये जो रोड है क्लब रोड इसकी अपनी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि इस रोड पे हमेशा आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हमेशा डेवलप मिलता है एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद के रोड के साइड पर आपको जो हॉर्टिकल्चर मिलता है उसका एक अपना स्टैंडर्ड है। इस रोड के बिल्कुल बैक साइड पर या इस हॉर्टिकल्चर के बिल्कुल बैक साइड पर आपके रावल डैम आ जाते हैं और यहाँ से आगे आपका सीधा रावल चौक आ गया। अब रावल चौक जो है इसकी अपनी इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट था चले जहाँ प्रीवियसली बहुत ज़्यादा ट्रैफिक कंजेशन देखने को मिलती थी क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं कॉमसन यूनिवर्सिटी है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी है उसके अलावा यहाँ पे आपके आज दिकरा यूनिवर्सिटी फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी अल नफीस मेडिकल कॉलेज ग्रैफ्टन कॉलेज रूट्स आईवी यूनिवर्सिटी। तो इस रोड पे यूनिवर्सिटीज़ ज़्यादा होने की वजह से स्टूडेंट्स का यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल है। एक्सपेक्ट करें कि सिर्फ 20,000 स्टूडेंट तो कॉमसन यूनिवर्सिटी में पढ़ता है कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के नंबर्स की बात करें तो फिर यहाँ पे एटलीस्ट दिन के 2 से 3 लाख स्टूडेंट्स का कम्यूट होता है। तो इसलिए इस चौक की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अभी यहाँ पे ये कि इस चौक पे एक अंडरपास और एक ये ओवरहेड ब्रिज जो है ये रिसेंटली कंस्ट्रक्ट किया गया इन द लास्ट गवर्नमेंट ऑफ शहबाज शरीफ। अभी यहाँ पे आपको कोई ट्रैफिक कंजेशन देखने को नहीं मिलती। इस रोड से अगर आप राइट जाते हैं तो आप सीधा जाके इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जहाँ से फैजाबाद I-8 उस तरफ कनेक्टिविटी मिलती है और इस रोड से अगर आप लेफ्ट जाते हैं ये जो रास्ता आपको नज़र आ रहा है ये जाता है सीधा आपका लेतरार रोड नाम है जो चक शहजाद उसके साथ साथ जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ की प्रीमिसज हैं उनकी तरफ जाके कनेक्टिविटी यहाँ से मिलती है। ये इस्लामाबाद की सबसे मेजर रोड में से एक रोड है लेतरार रोड और अभी यहाँ पे आपको राइट साइड पे यहाँ पे काम होता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। इसको अभी 5 लेन ईस्ट साइड कर रहे हैं यानी कि जिस तरह इस्लामाबाद एक्सप्रेसवे की विड्थ है उस तरह इसकी विड्थ की जा रही है क्योंकि यहाँ पे आगे जाके एक सॉफ्टवेयर पार्क बन रहा है जिसको कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहा है तो उस सॉफ्टवेयर पार्क की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होनी है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स का फुटफॉल यहाँ पे बहुत है तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से रोड को काफ़ी हद तक वाइड किया जा रहा है। बल्कि राइट साइड पर जो रोड आपको नज़र आ रहा है इसमें रिसेंटली काफ़ी इसकी विड्थ बढ़ा दी गई है और इस रोड पर आपको मेनली नज़र आ रहा है कि ये बिल्कुल सेंटर सिटी ओएसिस फार्म जो है बिल्कुल सेंटर सिटी प्रोजेक्ट है। वो ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है कि जो बिल्कुल आउट ऑफ सिटी हो या इस तरह से हो वो बिल्कुल सेंटर सिटी प्रोजेक्ट है। तो सेंटर सिटी प्रोजेक्ट्स की अपनी एक वैल्यू होती है। ये मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के सामने से बोल रहा हूँ। ये जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है जिस तरह गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पिम्स इस तरह सेकंड जो गवर्नमेंट का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है इस पर तकरीबन इसका 2 से 3 किलोमीटर का फ्रंट है। ये मेरे लेफ्ट साइड पर सारी प्रीमिसज जो है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी बड़े स्केल का हॉस्पिटल जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल वो मिलता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट स्कूल्स ये ऑलरेडी जो है ऑलरेडी यहाँ पे ओएसिस फार्म की 5 से 7 मिनट या 10 मिनट की प्रीमिसेस के दरमियान मौजूद हैं जो आप इजीली अवेल कर सकते हैं। जिस तरह बात की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की तो अभी तक मेरे लेफ्ट साइड पर ये NIH की प्रीमिसेस चलती आ रही हैं और मैं पहले बात कर रहा था रोड को वाइड करने की तो ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के यहाँ पे इस वक्त रोड की जो वाइड विड्थ है उसे किस तरह से इंक्रीज़ किया जा रहा है। यहाँ पे प्रॉपर इसकी डेवलपमेंट जो है वो फुल स्केल पे इस वक्त जारी है। चक शहजाद से आप जिस पॉइंट से लेफ्ट लेते हैं मैं आपको पॉइंट दिखाता हूँ। ये आपके लेफ्ट साइड पर जो पॉइंट है जो पार्क यू सिटी और बैरियन क्लेव तरफ रास्ता जाता है इस रोड का एक्सेस लेते हुए यहाँ से आप ओएसिस फार्म को एक्सेस ले सकते हैं। मैंने 39 पे सफ़र का आगाज़ किया था फ्रॉम द मेन सरीना चौक या क्लब रोड कह लें। अभी मेरे पास 45 हुए हैं यानी 6 मिनट्स के अंदर आप इस एरिया तक कम्यूट करके इजीली पहुंच सकते हैं। कीपिंग इन माइंड के डेली ट्रैफिक डेली जो रूटीन की ट्रैफिक है इस्लामाबाद पिंडी की क्लब रोड की ट्रैफिक उसके साथ साथ आगे लेतरार रोड की ट्रैफिक उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो आपने डिस्टेंस तय किया है तकरीबन 6 मिनट्स का बनता है। तो मेरे राइट साइड पर CDS सेक्टर आपको पार्क एनक्लेव नज़र आ रहा है। अगर आपने पार्क एनक्लेव के रेट्स चेक करने हैं तो आप CDA का जो लास्ट ऑक्शन हुआ है 21-22 अक्टूबर को इन कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद वहाँ पे इसके रेट्स चेक कर लें कि यहाँ पे 6 करोड़ रुपए का कनाल का प्लॉट बेचा गया रेजिडेंशियल प्लॉट। ये नॉर्मल रेट्स हैं यहाँ पे यानी कि जो नॉर्मल प्लॉट्स है उनके रेट्स हैं। तो अभी यहाँ पे तकरीबन आपको एवरेज 6 से 8 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट में आपको इस एरिया में पार्क रोड पे पार्क एनक्लेव में प्लॉट मिलता है जो CDA का सेक्टर है।
और यहीं से आगे आप सीधा स्ट्रेट एक्सेस लेते हैं तो आप पार्क यू सिटी इस्लामाबाद, जहाँ पे कनाल का प्लॉट आपको तकरीबन 6 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट और 2 कनाल का प्लॉट आपको 12 करोड़ की प्राइस ब्रैकेट में मिलता है। ऑन दी काउंटर साइड अगर आप ओएसिस फार्म में प्लॉट लेते हैं तो 2 कनाल का प्लॉट आपको 2 करोड़ 80 लाख की प्राइस ब्रैकेट में मिलता है, जो कि बहुत ही रीजनेबल प्राइस है, कीपिंग इन माइंड द लोकेशन ऑफ ओएसिस फार्म एंड कीपिंग इन माइंड कि आप कितना इजिली नियर बाय जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है उनसे आप पहुंच सकते हैं वहां पे इजिली, और उसके साथ साथ आपके जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं उन तक इजी एक्सेस लेते हैं सेंटर सिटी होने के बावजूद। बहुत ही फिजिबल रेट्स के साथ आपको 2.80 करोड़ का 2 कनाल का प्लॉट मिलता है, यानी 1 करोड़ 40 लाख रुपए कनाल। पार्क सिटी से या पार्क इनक्लेव से देखें तो उनके रेट्स के साथ अगर आप डिफरेंस लगाएं तकरीबन एटलीस्ट 1/4 या 1/5 का आपका डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है। 10 मिनट के अंदर मेन आप कह लें कि सरीना चौक से इस पॉइंट तक कम्यूट करके डिस्टेंस से आप इजीली पहुंच सकते हैं। अब मैं किलोमीटर्स में आप गूगल से देखकर बता दूंगा कितना डिस्टेंस बनता है, लेकिन एक्चुअली टाइम की अगर हम बात करें तो एग्जैक्ट 10 मिनट्स में आप इस पॉइंट पहुंच जाते हैं, जिस पॉइंट का नाम है यहाँ से आके एक रास्ता बैरियर क्लेफ की तरफ जाता है और एक रास्ता आपका पार्क सिटी की तरफ जाता है। आज यहाँ पे ट्रैफिक जो है कंजेशन काफ़ी ज़्यादा थी, तो इसलिए ज़ाहिर सी बात आपको नॉर्मली एवरेज टाइम लगा है, वरना आप यहाँ से मेन सरीना चौक से 10 मिनट के अंदर पार्क सिटी और वहाँ से 1 मिनट आगे आप इजीली ओएसिस फार्म तक कम्यूट कर सकते हैं। 12 मिनट के कम्यूट के बाद आप इस पॉइंट पहुँच जाते हैं जहाँ पे अभी सीडीए की तरफ से एक नया डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किया जा रहा है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर पार्क या टेक्नोलॉजी पार्क। ये जो डिस्ट्रिक्ट की लैंड आपको नजर आ रही है लेफ्ट साइड पे मेरे, ये मारगला के साथ जो पहाड़ियों के साथ साथ जमीन है, ये सारी जमीन सीडीए यानी कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास है। इस पे यहाँ पे आने वाले दिनों में आपको सॉफ्टवेयर पार्क या इसके अलावा आईटी की यूनिवर्सिटीज़ के लिए मुख्तलिफ अलॉटमेंट नजर आएंगी, तो ये एरिया उस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। इस पॉइंट तक डिस्टेंस आपका बनता है एग्जैक्ट 12 मिनट का अगर आप सरीना चौक से कम्यूट करते हैं यहाँ तक, तो 12 मिनट के टाइम फ्रेम में आप उस पॉइंट पहुँच जाते हैं जहाँ से आगे आपका हार्डली 1 मिनट का डिस्टेंस जो है वो पार्क्यू सिटी का है और 1 मिनट का डिस्टेंस आपका बैरियन क्लेव का है। और पार्क्यू सिटी और ओएसिस फार्म जो है वो आपस में बिल्कुल कह लें कि वॉल टू वॉल है, तो आपको पार्क्यू सिटी का डिस्टेंस और ओएसिस फार्म का डिस्टेंस एक ही बनता है तकरीबन। ये नॉर्मल अगर आप एवरेज स्पीड पे आते हैं विद इन सिटी कम्यूट करते हुए, कीपिंग इन माइंड द ट्रैफिक, कीपिंग इन माइंड एवरी कंजेशन, रोड भी बन रहा है बीच में जो लेथरा रोड है उस पर कंस्ट्रक्शन भी हो रही है, ट्रैफिक वहाँ पे कुछ जगह पे रोड ट्रैफिक आपकी सिंगल लेन भी हो जाती है, तो सारा कुछ होने के बावजूद आप इस पॉइंट तक तकरीबन कह लें कि 13 मिनट्स में कम्यूट कर सकते हैं। 39 से लेकर 52 तक आपके 13 मिनट्स बनते हैं। मैं टाइम स्टैम्प साथ इसलिए ऐड कर रहा हूँ बार बार ताकि हम आमतौर पर मार्केटिंग करते हैं ना, साइड विजिट करते हैं, तो हम पिंडी इस्लामाबाद के बाहर की चीज़ को भी पिंडी इस्लामाबाद के बाहर कहते हैं, बस ये 10 मिनट ड्राइव पे 5 मिनट ड्राइव पे, ऐसा नहीं है। अब मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जितने मेंबर्स यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने मेंबर्स यहाँ पे फ्यूचर में लिविंग के लिए आएँ, तो हर एक चीज़ को मद्देनजर रखें। आपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल की एक्सेस भी देखी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की एक्सेस भी देखी, सारे पॉइंट्स आपने देखे, तो उस पॉइंट्स के बाद आपकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाहिर सी बात है डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती है। इस पॉइंट पे आके जो आपके राइट साइड पे रोड जा रही है बैरियन क्लेव की तरफ जाता है, जो सीधा रास्ता जाता है वो आपका पार्क सिटी इस्लामाबाद की तरफ जाता है। यहाँ पे आई थिंक कोई नया प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट हो रहा है बैरियन क्लेव के सामने, ये आपका रास्ता सीधा पार्क सिटी की तरफ जाएगा। तो आप पार्क सिटी के एंट्री पॉइंट तक मेन सरीना चौक से जो फिजिकल ड्राइव के थ्रू एक्सेस लेके आ सकते हैं उसका डिस्टेंस बनता है या टाइम बनता है आपके पास, दैट इज 14 मिनट्स। ये पार्क सिटी का गेट आ गया सामने और 14 मिनट्स में यानी 2:53 में, 2:39 में हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द मेन सरीना चौक और 2:53 पे आप बिल्कुल पार्क सिटी के सामने आ गए हैं। सामने आपको पार्क सिटी के पहाड़ों के ऊपर लगे हुए बोर्ड भी नजर आ रहे होंगे, फॉग की वजह से ज़्यादा क्लियर ना हो, लेकिन फिर भी इन एनी केस जो मेंबर्स यहाँ पे ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं, जिनकी ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट है पार्क सिटी इस्लामाबाद में, उनको इनका आइडिया होगा कि ये कौन सी लोकेशन है। 2:54 पे एग्जैक्ट आप पार्क सिटी के प्रीमिसेस में एंटर हो जाते हैं, तो एग्जैक्ट 15 मिनट की ड्राइव पे आप पार्क सिटी के प्रीमिसेस में एंटर हो जाते हैं। राइट साइड पे नीचे इस तरफ जो है पार्क सिटी डाउनटाउन है और वहाँ पे 8 मरले का जो प्लॉट है इस वक्त उसका रेट जो है जो लेक फेसिंग प्लॉट है 25 करोड़ का प्लॉट है, तो आप यहाँ से इस एरिया की प्राइस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो सीडीए की ज़मीन बनती है क्योंकि मरी की फुट हिल्स हैं, यहाँ से आके जो मारगला की पहाड़ियाँ हैं ये मरी की तरफ लीड करती हैं, तो ये मरी की फुट हिल्स हैं इस तरफ यहाँ पे, इसलिए जो प्राइस लैंड है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। राइट साइड में मेरा सारा इस वक्त पार्क सिटी का डाउनटाउन कमर्शियल है जिसमें जो 100 कनाल की लेक है और उसका इफ्तिताह होगा ऑन द 31st of December 2023, यानी कि आज से तकरीबन कह लें कि 20 दिन बाद वो ऑपरेशन होने जा रही है। इस डाउनटाउन कमर्शियल के ऑपरेशन होने के बाद जाहिर सी बात है कि 1 मिनट की ड्राइव पे आपका ओएसिस फार्म है, तो आप यहाँ पे इजी एक्सेस लेके बड़ा आसानी से यहाँ पे आ सकते हैं कि जहाँ पे आपकी जितनी कमर्शियल एक्टिविटी की नीड्स होंगी वो आप यहाँ से फिलफिल हो जाएंगी। इस पॉइंट तक टाइम हो गया आपका 56, 2:56, तो
टेक्निकली आप 17 मिनट्स की ड्राइव पे इस पॉइंट तक पहुंच गए हैं, कीपिंग इन माइंड के रोड भी बीच में कंजेशन है, ख़राब भी है रोड, सारा कुछ मद्देनजर रखते हुए। ये सामने आपको जो है दो कनाल के जो प्लॉट्स नज़र आ रहे हैं पहाड़ी के ऊपर, इन दो कनाल के प्लॉट्स की जो प्राइसेज हैं वो बनती हैं आपकी इस वक्त मार्केट रेट है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेट जो है वो यहाँ पे 12 करोड़, जो कंपनी का रेट है 12 करोड़ रुपये का दो कनाल का प्लॉट है। और इस पॉइंट से एग्जैक्ट आगे आप कह लें कि एक मिनट या दो मिनट की ड्राइव पे आपको जो ओएसएस फार्म में प्लॉट मिलते हैं उनकी प्राइसेज जो है इससे वो कह लें कि 1/5 है, यानी कि पांचवें हिस्से की प्राइसेज हैं। पार्क्यू सिटी जे ब्लॉक के ऑपोजिट साइड पे आपको इतनी कम प्राइस में प्लॉट मिल जाते हैं। ये पार्क्यू सिटी का ब्लॉक ए आ गया। ब्लॉक ए के अंदर इस वक्त जो 5 मरले का प्लॉट है उसकी ब्रैकेट है तकरीबन 1 करोड़ 30 लाख, और जो 10 मरले का प्लॉट है वो 2.25 करोड़ से आपको 2 करोड़ 40 लाख के दरमियान मिलता है। इनफैक्ट यहाँ पे कंपनी रेट जो था वो 2 करोड़ 53 लाख रुपये था। ये सामने जो प्लॉट है आपको मेन के पास नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर रिसेंटली कंपनी ने 10 मरले के प्लॉट्स लॉन्च किए थे, तो ये उनके रेट्स हैं। और मेरे लेफ्ट साइड पे ये जो आपको अपार्टमेंट्स नज़र आ रहे हैं, इन अपार्टमेंट में कंपनी ने रेट जो है अभी इस वक्त 22,000 पर स्क्वायर फीट पर लॉन्च किया था। पार्क्यू सिटी के गेट, आप जब ए ब्लॉक के गेट से निकलते हैं सामने आपको जे ब्लॉक की प्रीमिसेस नजर आती हैं। यहाँ पे 10 मरले का जो प्लॉट है आपका एवरेज प्राइस ब्रैकेट यहाँ पे आपको मिलती है तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपए की, कंपनी का जो रेट है यहाँ पे इस प्राइस ब्रैकेट में आपको प्लॉट्स मिलते हैं। इस रोड का नाम है मलोट रोड। इस रोड पे आपकी हार्डली 30 सेकंड की ड्राइव है, उसके बाद आप आगे जाके डायरेक्टली ओएसएस फार्म में एक्सेस ले सकते हैं। याद रहे कि इस पॉइंट पे आके अभी गवर्नमेंट की तरफ सामने आपको बोर्ड लगा नजर आ रहा होगा कि गवर्नमेंट इस रोड को 100 फीट वाइड कर रही है, यानी डबल रोड बना रही है इसको, तो उसके बाद ये जो कम्यूट है आपकी मजीद कम हो जाएगी। और पार्क्यू सिटी का जो जे ब्लॉक का गेट है जो मेन सिमरी डैम रोड पर निकलता है उस गेट से भी एक्सेस लेके आप इजीली ओएसएस फार्म में जा सकते हैं। तो पार्क्यू सिटी और ओएसएस फार्म का डिस्टेंस जो है 0 पॉइंट से तकरीबन यहाँ सरीना चौक से अप्रोक्सीमेट एक ही बनता है, दैट इज 15 मिनट्स। इस समय मैं सिमरी डैम रोड पे हूँ और मेरे लेफ्ट साइड पर जो पाकिस्तान नेवल फार्म्स हैं जहाँ पे आपको जो है कटिंग्स प्लॉट की वो 20 कनाल तक का प्लॉट मिलता है। और मेरे राइट साइड पर जो है पार्क सिटी का जे ब्लॉक है, इसके बिल्कुल साथ हार्डली यहाँ से 5 सेकंड की ड्राइव पे आपका जो है मेन ओएसएस फार्म का एंट्री गेट आ जाता है। ये मेरे लेफ्ट साइड पर जो ये आपका पाकिस्तान नेवल फार्म्स हैं जहाँ पे आपको 20 कनाल के प्लॉट्स हैं, और अभी यहाँ पे अगर लेट से जब आकर विजिट करते हैं तो ये सारे फार्म हाउसेज आपको 20 कनाल ईच मिलते हैं, जो कि आपको मिनिमम प्राइस ब्रैकेट यहाँ पे मिलती है तकरीबन जाके आपकी 30 करोड़ के आसपास प्राइस ब्रैकेट बनती है इन प्लॉट्स की। ये 20 कनाल से छोटे साइज के प्लॉट्स नहीं हैं। इसके अपोजिट साइड पर बिल्कुल सामने इसके ये आपका पाकिस्तान नेवल फार्म्स हैं, ये पाकिस्तान नेवल फार्म्स आपके आगे, और इससे एडजस्टेंट वॉल टू वॉल ये आपके ओएसएस फार्म्स हैं। और ओएसएस फार्म के अंदर इस वक्त जो 2 कनाल का प्लॉट है उसकी प्राइस ब्रैकेट देखी जाए तो आपको दो चारों तरफ देखें ये सैंडविच है बिटवीन आपका बैरियन क्लेव पार्क्यू सिटी एंड तीसरी तरफ आपका आता है पाकिस्तान नेवल फार्म, उसके दरमियान में एक सैंडविच बनता है। और यहाँ पे आपकी प्राइस ब्रैकेट जो है वो 2 करोड़ 80 लाख रुपए 2 कनाल के प्लॉट की प्राइस है, जो कि बहुत रीजनेबल प्राइस बनती है कीपिंग इन माइंड द लोकेशन, कीपिंग इन माइंड द एरिया एंड कीपिंग इन माइंड द 360 डिग्री व्यू। कि आप 360 डिग्री में देखें तो आपको ये सारी की सारी जो मारला का व्यू है ये मिलता है आपको। ये सामने आपको ओएसएस फार्म की साइड पे जो डेवलपमेंट काम है ये आज से 2 से 2.5 महीने पहले स्टार्ट होने वाली डेवलपमेंट थी, और अगले महीने के एंड तक बाय जनवरी 31, 2024 हम इसकी डेवलपमेंट जो है वो मुकम्मल करके हैंडओवर कर देंगे। ये एरिया सारा जो है आपको फिजिकली आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। टोटल इसमें जो फार्म्स बनते हैं 78 फार्म्स टोटल हैं 2 कनाल के प्लॉट साइज के साथ। और यहाँ पर इस वक्त जो डेवलपमेंट टोटल इसकी तीन स्ट्रीट इसकी वर्टिकल हैं और 2 लेन्स हैं, तो टोटल देखा जाए 5 स्ट्रीट्स बननी है। और अभी आपके सामने जो डेवलपमेंट है फिजिकली आपको नजर आ रही है वो सामने जो स्ट्रीट कॉम्पैक्शन है जिसकी मशीन लगी हुई है वो हो रही है, और उसके साथ पीछे बैक साइड पे 3 स्ट्रीट्स ऐसी हैं जो फिजिकली प्रॉपर ग्राउंड से निकल आई हैं, प्रॉपर उनकी कॉम्पैक्शन हो रही है। इसके बाद इनके आगे सब बेस और उसके बाद बेस और सब बेस का काम होगा, और उसके बाद उनका एसफल्ट काम कर दिया जाएगा। अंडरग्राउंड सीवरेज काम ऑलरेडी यहाँ पे मुकम्मल किया जा चुका है, बाकी यहाँ पे जितनी इम्यूनिटीज हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे काम हो चुके हैं, सिर्फ फाइनल यहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का लगना, रोड का कारपेटिंग होना, फुटपाथ का इंस्टॉल होना और हॉर्टिकल्चर का काम, ये 4 काम रहते हैं यहाँ पे, बाकी काम यहाँ पे डेवलपमेंट के ऑलरेडी मुकम्मल किए जा चुके हैं।